नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 4 5G versus Oppo Reno 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord 4 में 6.4 इंच जबकि Reno 12 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Nord 4 से कम है। विड्थ की बात करें तो Nord 4 में 2.95 इंच जबकि Reno 12 में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Nord 4 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Nord 4 में 0.31 इंच जबकि Reno 12 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord 4 में 199.5 ग्राम जबकि Reno 12 में 177 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Nord 4 में 20:1:9 जबकि Reno 12 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord 4 में 6.74 इंचेस जबकि Reno 12 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord 4 में 1240x2772px FHD+ और Reno 12 में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord 4 में 89.94% जबकि Reno 12 में 90.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord 4 में 451 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Reno 12 में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nord 4 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 12 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord 4 में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 12 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord 4 में Adreno 732 जबकि Reno 12 में Mali-G 615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord 4 में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 और Reno 12 में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है। बात करें RAM की तो Nord 4 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Reno 12 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nord 4 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Reno 12 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord 4 में नहीं है जबकि Reno 12 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Nord 4 में 5500 mAh जबकि Reno 12 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Nord 4 में 2 कलर्स जबकि Reno 12 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord 4 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस,
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें रीनो 12 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 31,690 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord 4 5G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 12 5G की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।